क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बहुत अजीब लग रहा है आपको इस हालत में देख के। जी नहीं, ये हमारा जाती मसला है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ तुम्हारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बोझ लगने लगी हो। अरे आप कैसी हैं आप? नींद तो अच्छी आई ना? लगता है कई दिन की थकन और परेशानी उतरी है इस घर की नींद में। पहले तो जब सो भी रही थी तो लगता था जाग ही रही हूँ। वैसे आपका मिलना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए। आप मुझसे काफी छोटे हैं, मुझे लगता है मुझे तुम कहना चाहिए ना? नहीं नहीं, आप मुझे आप ही कहिए, अच्छा लगता है। ठीक है। आप कहीं जा रही थी? हाँ, वो मैं पार्लर में काम करती हूँ ना। ये बताएं, वो यहाँ पर आसपास से बस या वैगन कहाँ मिलेगी तारिक रोड के लिए? कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। आप रोज इसी वक्त निकलती हैं पार्लर के लिए? हाँ, लगभग इसी वक्त। चलें, ये तो मसला ही हल हो गया। बस रोज मैं आपको छोड़ दिया करूंगा, मैं तो फ्री ही होता हूँ ना। आप बिना वजह ये जिम्मेदारी क्यों लेंगे अपने कंधों पर? जिम्मेदारी नहीं, खुश नसीबी है मेरे लिए। बैठ जाइए वरना जबरदस्ती आपको बिठा लूंगा। आ जाए आ जाए। चलो, आपके लिए तो जहन्नुम में भी चला जाऊंगा। फरहत, फरहत जी। अच्छा करती है चोटी आगे कर लेती है, इससे उम्र कम लगती है कुछ। अच्छा सुन, वो है ना फरखंदा, उसका फोन आया था, अपने बेटे के रिश्ते के लिए आना चाह रही है शायद। अम्मी मैं लेट हो रही हूँ स्कूल के लिए, वो जो रामस्वामी वाले स्कूल की नई मैडम ट्रांसफर होकर आई है ना, अरे एक नंबर की बड़ी नजर रखती है वो आने जाने पर। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुन, स्कूल से आप जल्दी आने की कोशिश करना और ये मुंह को जरा ब्लीच ब्लीच कर लेना। और हाँ सुन ना, और सुन ना, कपड़े गहरे रंग के पहनना, हल्के रंगों में ना बिल्कुल फीकी लगती है तू। घूर क्यों रही हो? माँ हूं मैं तुम्हारी, मैं ये सब कुछ कह सकती हूँ, ज्यादा घूरने की जरूरत नहीं है। तेरे अब्बा से कहूंगी कबाब तल लें और मीठे में कुछ बना लें। मीठे में ना अंडों का हलवा बनवा लीजिएगा, अब्बा बहुत अच्छा बनाते हैं। पागल हो गई हो क्या? इतनी गर्मी में अंडों का हलवा खा के ब्लड प्रेशर ही ना बढ़ जाए। पक्की उम्र की है और है भी मुटल्लो। अम्मी जो दिल में आए करती रहेगा, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। ये किधर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय पियोगी? नहीं मैं बना रही हूँ, आप चाय पियेंगे? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम जाके अपने कमरे में बैठो, मैं तुम्हारा नाश्ता वहीं लेके आता हूँ। नहीं ऐसा क्यों करेंगे आप, घर पे हम सारी बहनें अपना तो नाश्ता खुद बनाया करती थी। आज मेरे हाथ का नाश्ता करके देखो, बल वाले पराठे बहुत अच्छे बनाता हूँ मैं। तुम जाके अपने कमरे में बैठो, मैं नाश्ता लेके आता हूँ। रिटायरमेंट के बाद इन्हीं छोटे छोटे कामों में टाइम अच्छा पास हो जाता है। लेकिन अंकल पराठे थोड़े हैवी नहीं हो जाएंगे, आज जॉब पे भी तो जाना है। मैं बहुत कम घी का पराठा बना के लाऊंगा, बल्कि आखिर में थोड़ा सा देसी घी बस। चलें ठीक है, आप पराठे बना दीजिएगा, लेकिन चाय मैं खुद बनाऊंगी। हरगिज नहीं,
जाके बैठो, मैं लेके आ रहा हूँ। जाओ शाम। कहाँ मिलेगी ऐसी ससुराल जिसमें ससुर साहब अपने दस्ते मुबारक से बहू के लिए नाश्ता बनाए। जी बड़े प्यार आ रहे हैं बहू पर। बीवी पर तो कभी इतना प्यार नहीं आया। बड़ी ऑफरें हो रही हैं नाश्ते की, और एक हम हैं चाय के लिए आवाज देते देते हलक सूख जाता है हमारा। मैं देख रही हूँ जिस दिन से इसकी मनहूस माँ इस घर से गई है ना, आप बैठे बैठे आहें भरने लगे, जेवा और शबनम की तरह छत की तरफ डुबडुबाई नजरों से देखते रहते हैं। इश्क की सारी मनहूस अलामतें और सारी नहूसतें मालूम है मुझे। मुझे ना बनाइए, अगर मुझे आपके और उसके चक्कर का कुछ पता चला तो खुदा की कसम इस रुए जमीन पर आपको छुपने के लिए जाय पना नहीं मिलेगी। लाखों किए जतन पर मायल ना होवे, दिल है के खंजर से भी घायल ना होवे। जी भाई साहब, अच्छी लग रही हो। मेकअप में कभी देखा नहीं ना तुम्हें, और ये जो तुम्हारे इयररिंग्स बड़े अच्छे लग रहे हैं। शादी के बाद काफी बदली बदली सी हो गई हो। ये तुम क्या लड़कियों की तरह मेकअप और इयररिंग्स पर गौर करने बैठ गए हो? हाँ मस्टर्ड पकड़ाओ मुझे। क्या है? आप ही जा फरहत परवीन, मैं कितनी देर तक उन लोगों के साथ बैठूं? चल। बीवी तो बस वाजबी सी शक्ल की है, लेकिन मियां जरा खूबरू और वजी है। अम्मी, दूसरों के मियाओं को नजर क्यों लगा रही हो? मेरे सामने ऐसी बकवास करियो भी मत। बड़े छोटे का कोई लिहाज है या नहीं? मुझे पता है ये जो मुआशरती उलूम की तेरी उस्तानी है ना, जिसके पास तो घुस घुस के बैठती है, उसकी माँ मेरे साथ जैकब लाइंस वाले स्कूल में पढ़ती थी। सारी दास्तानें मालूम है मुझे। नवी जमात के अंग्रेजी के पर्चे में मोटर मैकेनिक सफदर के साथ भाग गई थी, खबरदार जो उससे ज्यादा दोस्ती बढ़ाई तो। अच्छा बस 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 अम्मी, बीपी हाई हो जाएगा। डॉक्टर कह रहा था कि आए दिन आपका बीपी हाई हो जाता है, अच्छी बात नहीं होती। सालन में भी ऊपर से नमक डाल डालकर खाती हैं आप। गुस्सा छोड़ दें अम्मी। वो मैं पूछ रही थी, लड़का भी साथ आया? नहीं अभी तो नहीं आया, शायद अगली दफा लेकर आएंगे। लड़के की शक्ल अगर माँ पे हुई ना तो बस वाजबी होगी, लेकिन अगर बाप पे गई ना तो अच्छा खूबरू होगा। बहरहाल हमें क्या करना लड़कों की शक्ल को देख के। लड़के की शक्ल क्यों नहीं देखनी, सारी जिंदगी का मामला है भाई। पूरी जिंदगी का मामला, अब 30-35 बरस की उम्र में तो शादियां हो रही हैं, तो बाकी जिंदगी रह कितनी गई। वो हमारा जमाना था, हमें तो भाई 15-16 बरस की उम्र में ही ब्याह दिया गया था। एक तो उम्रों की बात पे ना बहुत ही जज्बाती हो जाती हैं। भाई आपका जमाना और था, आज का दौर अलग है। आजकल लड़कियां पढ़ती हैं, जॉब्स करती हैं, करियर्स बनाने में वक्त लग जाता है, तो जाहिर है इन्हीं उम्रों में शादी होगी। छह भाई वो दौर नहीं कि नवी पास मैट्रिक पास लड़कियों को ठिकाने लगा दिया जाता था। बड़ी लंबी जबान है तेरी परत परवीन, बड़ी लंबी जबान। चल आ जा। क्या आप शिपकली जैसी फीकी लिपस्टिक लगाई हुई है? चल लाल रंग की लिपस्टिक लगा, उसमें अच्छी लगती है तू, जल्दी आ जा।
नौकरी तो ये शौकिया करती है, वरना सच्ची बात यह है कि हम बहुत कनात पसंद लोग हैं। इसके अब्बा की ना अच्छी माकूल पेंशन आती है, बेटा भी कमाता है, और सबसे बड़ी बात कि शुक्र है सर पर हमारी अपनी छत। यासिर तो शिप पर रहता है और मोस्टली मुल्क से बाहर ही होता है। ये नौकरी करे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, और मैं तो वैसे भी लड़कियों की जॉब करने के हक में हूँ। मेरी तो बीए के दौरान ही शादी हो गई थी, मुश्किल से 19 बरस की भी नहीं थी मैं। हाँ जब मेरी शादी हुई तो मैं 15.5 बरस की थी और मेरी अम्मा की उम्र 13 साल। वैसे ये बहुत जुल्म नहीं है लड़कियों के साथ इतनी जल्दी उनकी शादी कर दी जाए? नहीं 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 भाई साहब, लड़कियों की शादी जितनी जल्दी हो उतना ही बेहतर है, महफूज रहती है। फिर आपने अपनी बेटी की शादी में इतनी देर क्यों कर दी? ये अपनी ददियाल अपने ननियाल दोनों तरफ से सैयद है ना, तो बस वो सैयदों में कोई हम पल्ला रिश्ता ही नहीं मिला। बस फिर थक हार कर मैंने भी अपनी जिद छोड़ दी कि बेटी को अब कितनी देर बिठाऊं। आपकी बेटी पहली नजर में बहुत अच्छी लगी मुझे, अभी वही बात आपसे जुड़ी जुड़ी सी लगी मुझे, मैं चाय लेकर आती हूँ। आजकल वैसे हर ड्रामे में हर सीन के एंड में यही होता है कि मैं चाय लेके आती हूँ। अरे हर ड्रामे में अजीब किस्म की कहानियां चल रही होती है, फलां की बेगम फलां के साथ, फलां की बेगम फलां के साथ, तो वहाँ फिर हलाले पे हलाला। ये इश्क माशूकी के चक्कर जो है ना, ये कच्चे ज़हनों को खराब करते हैं। साहब इतना अच्छा बोल लेती हैं, तो आप ये मॉर्निंग शोज़ वगैरह में क्यों नहीं चली जाती? नहीं 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 भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, तौबा, हमारे यहाँ औरतों को इतनी आज़ादी नहीं दी जाती कि वो टीवी स्क्रीनों पर ही आ जाए। तौबा। वैसे छठी जमात में मैंने एक तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया था, तकरीर का मौजू था गुरूर का सर नीचा। जब तकरीर खत्म हुई तो तालियों की गूंज थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बहू है, छोटे वाले रिजवान की बीवी, बल्कि मैं इसे बहू क्या अपनी बेटी समझती हूँ। जाओ बेटा जाओ जाओ, कपड़े शपड़े बदलो, आराम करो। आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं, ये कबाब है ना ये मेरी फरहत ने अपने हाथ से बनाए हैं। लीजिए, तो कितने डॉलर भेजता है आपका बेटा? डॉलरों में सुनिए जी, अभी सामे से बात हुई है हमारी फोन पर, अब तो खैर से उसकी सास का दिल भी पसीज गया है, नौकरी की इजाजत दे दी है। सामिया बता रही थी कि उसके मियाँ को भी कोई एतराज नहीं है कि वो अपनी तनख्वाह हमें दे, अच्छे लोग। क्यों जी? बस अब तो हम कहते हैं कि छोटी मोटी तकरीब रखें, खास खास लोगों को बुलाना है, वो हमने देख लिया है। कल सामिया भी यहाँ आ जाएगी, उसकी सास भी राजी। ये बाहर तंबू लगाकर सादगी से बेटी को रुखसत कर देते हैं, क्या जरूरत पड़ी है चोंचलों की? और बाकी बातें तो हम आपको समझा ही चुके हैं कि खानदान वालों से क्या कहना है। क्या हो रहा है भाई? ये सुनो, जूते उतार दो। तुम्हें क्या पता कि हस्बैंड के जूते उतारने में कितना रोमांस छुपा होता है? अच्छा क्यों, तुम्हारा कौन सा हस्बैंड है जो तुम्हें इतना पता है? पागल पागल तो नहीं हो गई हो जो मुंह में आता है बोले जाती हो? अच्छा ना, मजाक कर रहा था, अब नहीं कहूंगा। कल मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी रुखसती है ना,
सुनो, कल मैं जब चली जाऊंगी तो तुम मुझे मिस करोगे? बिल्कुल भी नहीं। बदतमीज। सुनो, जूते तो उतार दो। बिल्कुल भी नहीं। बड़ी ही काम चोर बीवी हो गई। अम्मी आपने ठीक कहा था, लड़का बाप पे जाता तो प्यारा होता, और अगर माँ पर तो ऐसे तो होता है। हाय अम्मी, मुझे तो नहीं अच्छा लगा। मुझे तो इंसान का बच्चा लगा है। मर्द अगर वाजबी शक्ल का हो ना तो बीवी से दबके रहता है अपने उसी एहसास से कमतरी की वजह से। पर भाई पैसा बड़ा है, बड़ा पैसा है, बेटा शिप से डॉलर भेजता है। फरखंदा बता रही थी अभी डिफेंस में उन्होंने प्लॉट लिया है। डिफेंस में प्लॉट लेना कोई आसान बात नहीं है। हाँ वैसे इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं है। मेरी बात सुन, तेरे जैसी शरीफ लड़कियों को घर बैठे रिश्ता मिल जाए ना किसी को गनीमत जान, वरना आज का दौर तेरे भाई की बीवी जैसी दहशतगर्द औरतों का है जो मर्दों को गुलाम बनाने में किसी हद तक भी जा सकती है। मैं तो भाई फरखंदा को फोन करके हाँ कह दी। देख मेरी बच्ची, मियां हो या बीवी, शादी के एक आध साल के बाद ही दोनों को एक दूसरे से नफरत हो जाती है, शक्लें नहीं देख सकते। किसी में सुरखाब के पर लगे हो ना और तेरी जो उससे शादी हो जाए तो भी कुछ अरसे के बाद तेरा उस पर थूकने को दिल चाहेगा। मैं कह रही हूँ लड़का बहुत अच्छा है। हाँ नकुश जरा मोटे हैं और रंग भी पक्का है, पर पैसा तो है ना, और आज के दौर में पैसे की बड़ी अहमियत है। अच्छा जैसे आपकी मर्जी। शाबाश मेरी बच्ची, बस मैं करती हूँ फरखंदा को फोन। ज्यादा ना खाइयो, गर्म होते हैं। हेलो, एहसास है कुछ मेरा? मुझे अम्मी अबू के यहाँ पटक कर तुम समझ रहे हो कि मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है? हाँ कब से फोन कर रही हूँ, मुसलसल बिजी। इतना नहीं हुआ तुमसे कि मुझे कॉल बैक कर लेते? व्हाट्सएप पे भी तुम ऑनलाइन थे, लेकिन मेरे मैसेजेस पढ़ते हुए तुम्हें मौत आ रही थी। तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। रात के 2 बजे पागल औरतों की तरह चिल्ला रही हो मुझ पे। तुम क्या हाई बीपी की पेशेंट हो? ओ भाई अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी से बात कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि मेरा फेसबुक और यूट्यूब वाला काम टीवी पर आए। और ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन तुम कहाँ समझोगे, क्योंकि तुम एक लिमिटेड सोच की लड़की हो। प्लीज सोने दो मुझे, 2 दिनों से नहीं सोया।
लगता है गहरी नींद में सो रहे थे, मैंने डिस्टर्ब कर दिया ना? नहीं। तुम भी क्या सोच रहे होगे? आज इतने घंटों मैंने तुम्हारा दिमाग चाटा है और अब अच्छा सॉरी मैं रख रही हूँ फोन। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? तो सारी रात जागता हूँ, तनी आज कैसे अचानक आंख लग गई? चले अच्छा हो गया, पावर नैप मिल गई मुझे, अब आराम से बातें करेंगे। हाँ मच्छर को ज्यादा नहीं हो गए? जब से अम्मी अबू को पौधों का शौक हुआ है ना, तब से ये मच्छर बढ़ गए। ये बताओ तुम अब तक क्यों जाग रही हो? मैं सोच रही हूँ लड़कियों की जिंदगी बस स्टॉप की तरह नहीं होती। नहीं लड़कियों की जिंदगी ना बहुत मजे की होती है, अलबत्ता हमारी तो नहीं है। टीवी ड्रामे करने वाली लड़कियों की जिंदगी होती है मजे की? नहीं होती, उनकी जिंदगी भी मजे की। ज्यादातर घर चलाती हैं, घर वालों को पालती हैं, और फिर जो उनकी जिंदगी में आते हैं वो बस अपने मतलब के चक्रों में होते हैं। मेरे साथ जो लड़की काम करती है ना, उसकी भाभी कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है किसी चैनल का। वही तो मैं कहती हूँ लड़कियों की जिंदगी है ना बस स्टॉप की तरह होती है। कभी लोगों के हुजूम में जब बस का नंबर नजर नहीं आता ना, तो फिर गलत रूट के बस पर सवार हो जाती है। अभी 4 दिन तो हुए शादी को, अभी से इतनी मायूसी? 2-4 दिन भी काफी होते हैं किसी को जाने। तो मैं याद है बचपन में मुझे पहले से ही पता होता था कि गुड़िया जल्दी टूट जाएगी, ये फ्रॉक फट जाएगा या ये पैसे गुम हो जाएंगे, और वही होता था। आधी रात को तुम क्या बकवास कर रही हो, और ऊपर से ये मच्छर। तो जब से मैं आई हूँ ना, उसने एक फोन नहीं किया, ना ही कोई व्हाट्सएप, ना कोई मैसेज। हम मेरे सामने ना अपने दोस्तों से घंटों बात करता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ ये जो रिज है ना, ये सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करता है। और जो लोग सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करते हैं ना, उनके गिरने और उठने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। सुनो ये जो मियाँ बीवी के चौंचले होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। अभी तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो खूब सुना रही हो, और कल को तुम्हारे मियाँ के बारे में किसी ने कुछ बोला तो तुम उससे आस्तीनें चढ़ा चढ़ा के लड़ रही होगी। एक फोन कॉल आने की देर है बीवी, और तुम्हारा सारा गुस्सा टाएं टाएं फिश। पता नहीं शायद तुम ठीक ही कह रही होगी, लेकिन मेरी सिक्स सेंस भी तो आगे का इशारा दे जाती है। बहुत देर हो चुकी है, प्लीज सो जाओ और मुझे भी सोने दो। किससे बात कर रही थी? उसी पागल से जो हमें यहाँ उठा के लाया है। गया काम से है ना? तुम किससे बात कर रही थी? उसी पागल से जिसके घर में बैठे हैं। ए फरत, स्कूल नहीं गई आज? अम्मी जरा चुप रहे ना,
देखने दे, लिख रही हूँ। शाबाश, ये मत भूलियो कि लड़के वालों ने तेरा रिश्ता तमीज और तहजीब की वजह से किया है, और इस तमीज और तहजीब की पब्लिक सिटी तेरी माँ ने कराई है। लो जी, लगा दी ना नजर। मैं कब टीवी देखती हूँ? आज कुछ काम की चीज देख रही थी और आपने वावेला मचा दिया। वैसे अम्मी आपको भी ना बहुत चुल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बुढ़ापे में शादी क्या हो रही है, दिमाग नहीं मिल रहे हैं क्या? बुढ़ापा 32 साल की हूँ, आजकल 32 साल कोई उम्र होती है? जब मैं 32 साल की थी ना तो तेरी उम्र 17 बरस थी। 17 बरस की उम्र कोई माने रखती है? और जब मैं 17 बरस की थी तो तेरी उम्र 2 बरस थी। अच्छा खैर, बाहर आ, ये बता छुट्टी किस खुशी में की है? बताया तो था 15 दिन की छुट्टियाँ लूंगी। तो जब शादी का चक्कर शुरू होगा तब भी तो लेनी पड़ेंगी छुट्टियाँ। या अल्लाह, मेरी जल्दी शादी हो और जान छूटे मेरी यहाँ से। जा, जाके मर दूसरों के दरवाजे पर, पता चलेगा कि माँ का घर किसी नेमत से कम नहीं होता। ये ना हो कि एक जहन्नुम से निकल के दूसरे जहन्नुम पहुँच जाऊँ। बड़ी ना शुक्रिया तू फरहत, बड़ी ना शुक्रिया। अच्छा खैर, वो आ रहे हैं तेरी भावच के हवाले। मैंने सोच लिया है, जेवर तो सारा उसी का चढ़ाऊंगी मैं तुझे। अरे मेरे प्यारे भोले भाले बेटे को फांस लिया, और तेरे जहेज में उसके जहेज का फर्नीचर भी डाल दूंगी, तो शुक्र खुदा का ये बोझ तो हल्का हुआ। अरे भाई, ऐसी आड़ी तिरछी चूंटियों भरे कबाब जैसी लड़की को कौन कबूल करेगा? ये तो हमारा बड़ापन है ना। कोई और होती तो जूते मार के चोटी से खींच के घर से निकालती उस तंग पेशानी वाली चालाक औरत को। मैं तो जा रही हूं कपड़े डालने। तो ये क्यों छोड़ गई मेरी माँ? इतना खूबसूरत जोड़ा लेकर आई बशारत की दुल्हन तुम्हारे लिए। देखो इतना कीमती लगता है, भाई अपने लिए रख लेती। तुम बाकी सानिया की सास को क्यों दे रही हो? देने दिलाने के लिए अच्छी चीज होनी चाहिए आपा। बेटी के ससुराल का मामला है, हमसे तो नहीं पहने जाते ऐसे जोड़े। अजीब बेआरामी सी महसूस होती है, अजीब सी। तुम तो हो ही पगलो। अम्मी देखें कितना अच्छा पैक किया है मैंने। हम तो दूल्हा भाई से अभी तक नहीं मिले, ये क्या बात हुई? पिछली बार भी नहीं लेके गए और इस बार भी ले जाने का कोई इरादा नहीं हो रहा। आपा आप चली जाइएगा लड़कियों के साथ, हमारा तो जी नहीं हो रहा जाने का। भाई जाना तो पड़ेगा तुम्हें, वो लोग बुरा मान सकते हैं। पता नहीं भाई अचानक तुम्हें क्या हो गया, एकदम लिए दिए सी हो गई हो तुम उनके साथ। हमारी कुछ तबीयत ठीक नहीं है आपा। हाँ अगर वो बुरा मान जाएंगे इस बात का, तब तो हमें जाना ही होगा। अम्मी कितने का मिला? 5,000 का कह तो रहा था, 3,000 का लेकर आए हैं हम। अब इससे कम क्या जोड़े मिलेंगे देने दिलाने वाले? अब शादी का जोड़ा तो उन्हीं की तरफ से होगा ना? नहीं, हमारी बात हुई थी सामिया की सास से, वो कह रही थी कि हमारे यहाँ शादी का जोड़ा लड़की वालों की तरफ से होता है। तुम मेरी बात लिख के रख लो फरीदा, ये लड़के की माँ फसाद की जड़ है। लड़का बहुत प्यारा है, शक्ल सूरत अच्छी है, सीरत अच्छी है, सादा सा है, लेकिन उसकी माँ। हाँ रिजवान भाई तो बहुत अच्छे हैं, पप्पू कैसे हंसा रहे थे ना वो हम लोगों को। अच्छा चलो ये भी रखो, पकड़ो। दूसरों को हंसाते हो और मुझे रुलाते हो। ऐसे क्या देख रहे? जानलेवा लग रही हैं। ऊपर से ये सिया और सफेद का क्रेजी कॉम्बिनेशन, आफत लग रही हैं। शर्म करो, बड़ी हूँ मैं तुमसे। अरे लड़कियों से ज्यादा लड़कीपन है आप में। तौबा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज पार्लर वालों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। सोचती हूँ कहीं से छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट भी आ जाए तो अपना काम शुरू कर दूं। वैसे भी पार्लर में 80% क्लाइंट्स तो मेरी वजह से आते हैं। औरत नफसियाती है, अब उसका शौहर, उसके दामाद, उसके बेटे अगर पार्लर का चक्कर लगाना शुरू हो गए तो उसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो उनसे बात करना भी पसंद नहीं करती, वही आते हैं घूरियां और ताड़ियां मारने।
एक औरत का काम करना अजाब है, खलाजत और गंदगी के ढेरों को उबूर करना पड़ता है। तुम औरत होते ना तो तुम्हें अंदाजा होता कि मर्द की एक बुरी नजर औरत के अंदर कितने शगाव पैदा कर देती। मैं थक गई हूँ, ऐसा कसम से मैं बहुत थक गई हूँ। किसी बुरी नीयत से नहीं पकड़ा था। जानती हूँ, मर्द की नजर की बारीक से बारीक तहरीर औरत फट से पढ़ लेती है। बस मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। बिलाल बता रहा था तुम शादीशुदा हो और हाल ही में तुमने शादी की है। जी क्यों, इतने छोटे से तो हो, अभी तो शादी के चक्कर में पड़ गए। अभी अभी एहसास हो रहा है कि गलती हो गई मुझसे। पता, मुझे शुरू से ही बड़ी उम्र की औरतें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए तो आप, जब पहली बार आपको देखा था ना, आप रो रही थी, फ्यूज हो गया था मैं, कसम से फ्यूज हो गया था आपको देख के। आपका नौकर बनने का जी चाहता है, आप जो कहें वो सब करने का जी चाहता है। अगर आप बोले ना कि कत्ल कर दो तो कर दूंगा कत्ल। ताशी, मुझे लगता है ये फाउंडेशन एक्सपायर हो गई है। अरे 6-7 महीने तो चली जाता है, कौन सा साल 2 साल हुए एक्सपायर हुए। मैं नहीं लगा रही, कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, तुम लोग इतना तैयार होगे तो मत जाओ। नहीं भाई, कभी कभी मौका मिलता है, मैं तो अपने दिल के सारे अरमान पूरे करूंगी। अच्छा ये बताओ, दूल्हा भाई को कोई मैसेज दूं तुम्हारा। मैं खुदा के लिए दूल्हा भाई तो मत बोलो, चीप लगता है। रिजवान भाई या रिज बोल दिया करो ना। चलो चलो, हर बात पे तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, हम तो दूल्हा भाई कहेंगे। सुनो, तुम्हारी बात हुई है उनसे? नहीं, फोन ही नहीं उठा रहा। ये भी अब जाके पता चला कि इंतहाई जिद्दी है। देखो, उनकी सारी खताएं इस वजह से माफ है क्योंकि वो हैं बहुत गुड लुक। अभी फायजा ने ना अपनी बहन और बहनोई की शादी की पिक्चर्स ना फेसबुक पे शेयर की थी। बहन तो उसकी बहुत प्यारी है, लेकिन मेकअप भी तो बहुत बड़े पार्लर से करवाया था। लेकिन उसकी बहन का शौहर कसम से जो मद्रासी फिल्मों में आता, समझो उसकी जवानी है। अच्छी बात नहीं होती लोगों के शक्लों का मजाक उड़ाना, इस पर किसका इख्तियार? शक्लों के साथ साथ आदतें भी अच्छी होनी चाहिए। तुम तो बिल्कुल ना मेरी सामाजिक टीचर थी मिस परवीन, उनकी तरह भाषण देने बैठ गई हो। और वैसे भी तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए, तुम्हारा होने वाला शौहर इतना खूबसूरत है। देखना मैं तुम्हारी शादी की ना कैसी कैसी पब्लिसिटी करूंगी अपनी फेसबुक पे, सब जल के मर जाएंगे। भाई टैक्सी वाला कब से आया हुआ है? आखिर मुझे तुम्हें और कितनी देर है? पप्पू और मम्मी बाहर निकली हुई, कब से आवाजें दिए जा रही है। अरे ताशी, तुम भी सर पे खड़ी हो गई हो, 2 मिनट दो में आ रही हूँ। मैं नहीं जा रही, पप्पू ने कहा था स्मारा के सर पर खड़ी हो जाना जब तक वो बाहर ना निकले। पप्पो भी ना, सामिया मुझे जरा अपनी रेड वाली लिपस्टिक तो दो। और सुनो ताशी, स्टोर में ना नीचे मेरे खुस्से पड़े हुए हैं, प्लीज जरा जल्दी से ले आओ। जल्दी आओ। पता आएगा। ओ अरे ये तो सरासर बेईमानी है। खेल में अगर बेईमानी ना हो तो खेल का मजा कैसा। मैं तो जो काम करती हूँ बहुत ईमानदारी से करती हूँ। अपनी बात तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि आप तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हैं। अरे भाई, कॉफी कौन पिलाएगा? अब मैं बनाती हूँ, क्योंकि कल जो तुमने बना के पिलाई थी ना वो तो माशाल्लाह। यूं लग रहा था कॉफी नहीं, छिपकली का जूस पी रही हूँ। समन तौबा है, गंदी बातें करती हो तुम। चले मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, वैसे भी इस मुल्क को तुम जैसे हेल्पर्स की बहुत जरूरत है। चल, और हमारे पीछे कोई चीटिंग नहीं करेगा। हाँ कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब, पहले नहीं आ सकती थी। पहले मालिक मकान ने सामान जो नहीं घर से बाहर फेंका था, इसे सारा क्रेडिट तो रिजवान भाई को जाता है। हंस क्यों रहे हैं? मैं रिजवान को भाई बोला ना इसलिए। तो आपको क्या बोलूं? बस भाई मत बोलना। मैं तो आपको बिल्लू कहूंगी, आप पर जचता है।
ऐसे ना देखे मुझे, शर्म आती है। अम्मी पल्लू तो ठीक से लेना, आपने तो साड़ी की शोई खराब कर दी है। काशी मेरा मेकअप ज्यादा ओवर तो नहीं है? नहीं बस तुमने थोड़ी लिपस्टिक डार्क कर ली। कोई बात नहीं, पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी। अच्छा भाई मैं ताशी को लेके आगे बैठ जाता हूँ, आप लोग सब जो है पीछे बैठ जाइए। वैसे भी ज्यादा दूर तो जाना नहीं है, 10-15 मिनट की मुसाफत है, चले बैठे। और ताशी तुम्हारी फूफो कहाँ रह गई हैं? जाओ उन्हें बुला के लेके आओ। जाओ, आप क्यों खड़े हैं, बैठे। फूफो फूफो आ जाए, इंतजार कर रहे हैं सब। मन मर्जिया क्या हुआ? बीवी का फोन है? साइलेंट कर देता हूँ। क्यों? अभी से उकता गए? लड़कियों की यही आदत मुझे बहुत बुरी लगती है, चिपकू नंबर वन होती है। तो लड़कियों को चिपकू बनने पर मजबूर भी तो तुम लड़के ही करते हो। अरे पहले सर पे चढ़ाते हो, उसके बाद उकता जाते हो। यही तो मसला है तुम आजकल के नए लड़के लड़कियों का, कसक छोड़ना नहीं जाते। जब तक किसी के दिल में कसक नहीं छोड़ोगे तो मोहब्बत के मजे कैसे लोगे? मुझे उससे मिलवाना, समझाऊंगी मैं उसे। और तुम्हें भी। Thank you.